आज हम आपके साथ एक फरसान की रेसिपी शेयर करेंगे जो बाहर से एकदम क्रिस्पी होगी और मुंह में जाके ही घुल जाए, इतनी सॉफ्ट भी बनेगी। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, अब आप मार्केट से पापड़ी गाठिया लेना भूल जाए, उतनी टेस्टफुल बनेगी घर पर ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी। हाफ कप हमने यहाँ पे ले लिया है रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे हमने ले लिए हाफ स्पून भर के खारा पापड़, साथ ही में यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ स्पून भर के नमक। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खारा पापड़ ना हो तो आप उसके जगह बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सारी सामग्रियां मिलजुल गई है। अब हम एक छन्नी ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे बेसन, हम डालेंगे दूसरा कप भर के और हाफ कप भर के बेसन हीट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल बेसन 2.5 कप भर के लिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आटा अच्छे से छान लिया है। अब हम हाथों की सहायता से आटा गूंदेंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमने मेजरमेंट दिया है वो परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सारा मिश्रण मिक्स हो गया है। अब हम ये आटे को, फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फिर से हाफ कप भर के पानी ले लिया है। अब हम आटे को अच्छे से फेंटेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आटा जितना ही फेंटेंगे उतने ही हमारी पापड़ी सॉफ्ट बनेगी और क्रिस्पी भी उतनी ही बनेगी और कलर भी उसका बेहतरीन आता है। इसलिए मेहनत तो खाली इसी में ही है, जितना हम अच्छे से फेंटेंगे उतना ही रिजल्ट अच्छे से आएगा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को फेंट लेंगे। हमने 3-4 मिनट ऐसे ही फेंट लिया है और करीबन हमने पानी का यूज इस टाइम पे 3 से 4 चम्मच भर के लिया है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे आटे का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम सारे आटे को इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसी उसके आगे की प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जब भी आटे को गूंदा तभी एक साथ पूरा पानी ऐड नहीं किया है, एक एक चम्मच भर के ऐड करते जाएंगे और इस टाइप से आटा गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, जब तक हम आगे की तैयार करते हैं तब तक हम आटे के ऊपर ऐसे पानी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारा आटा सूख ना जाए। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऐसा ट्रेडिशनल ही जार ले लिया है जो हमने ऑनलाइन ही परचेज किया है। ये आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल होता है, इस प्रकार से जार मिल जाता है। यहाँ पे हमारा ऑयल ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब हम जार ले लेंगे, इस प्रकार से रख देंगे। थोड़ा सा मिश्रण हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब हम हाथ को भी पानी से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमारा आटा अच्छे से फिसलता जाएगा और अच्छे से हमारी पापड़ी भी नीचे गिरती जाएगी। फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमारा गैस की फ्लेम की आंच लो है, जब हम डालते हैं तो हम लो फ्लेम पे ही इसको ऐसे प्रेस करते हुए ऐड कर देंगे।
फ्रेंड्स ये काम आपको बहुत ही केयरफुली करना है। फ्रेंड्स आपका आटा अच्छे से स्मूथ होगा तो अच्छे से आप इस प्रकार से कर भी पाएंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा आटा लेके और ऐसे फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने हमारी पापड़ियाँ ऐड कर दी है और हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम पापड़ी को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स इसको फ्राई करने में जल्दबाजी मत करना, हाई फ्लेम पे हमें फ्राई नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम पे ही हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पापड़ी को आप 10-15 दिन स्टोर भी कर सकते हैं। एकदम क्रिस्पी और टेस्टफुल ऐसी हमारी पापड़ी बनकर रेडी है। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।